जो चंडी काए। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कोमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खैटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खग धारिणी मेरी रक्षा करे, में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे, ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे, इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे, जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भोहों का संरक्षण करे, भोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ पे चर्चिका देवी रक्षा करे,
नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्र काली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहबाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गोदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों के उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंस्त्रा कराली देवी नखों की और उदर्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अवेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम।
शीतला स्रोतम्। ओम नमश्च चंडिकाये, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो, काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो, मधु और कैटप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुम और निशुम तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतनीय है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सची पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है।
इति देव्या अर्गला स्त्रोत्रम संपूर्णम्।